Happy birthday to you. Happy birthday to you, Harshita. Happy birthday to you. नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है मेरे प्यारी हर्षिता का बर्थडे, तो यहाँ पे हम आए हैं केक लेने। तो हम जो है कि अपने सामने केक बनवाएंगे और हर्षिता के लिए लेके जाएंगे बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा केक। तो आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से केक लेंगे और चलेंगे हर्षिता के बर्थडे में। तो ये देखिए भैया जो है कि केक को काट रहे हैं। पहले ये ब्रेड बनाया गया है, तो हर्षिता के लिए गुड़िया वाला केक चाहिए। देखिए इसलिए गोला काटा गया है। और गुड़िया वाला केक किस तरीके से बनाया जाता है आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं। ये देखिए पहले लेयर काट रहे हैं इसमें। तुम्हारे लिए भी आनवी कह रही है मेरे लिए भी बनवा लेना। ठीक है बेटा, आपके लिए भी बनवाएंगे। तो देखिए है क्रीम, आप क्रीम लगा रहे हैं। तो देखिए दो केक बन के तैयार होगा। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी का जो है कि रस है रेड कलर, तो उसे देखिए मिक्स कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, चॉकलेट दाना। ये देखिए चॉकलेट दाना डाला जा रहा है उस पे। देखिए लेयर बनाया गया था, उसी को जो है कि ये देखिए पूरे तैयार के रख दिए हैं। देखिए क्रीम लग रहा है चारों तरफ। कौन सा केक चाहिए तुम्हें, गुड़िया वाला? एक तुम्हारे लिए। ये देखिए जो है कि क्रीम लगाने के बाद ये चॉकलेटी क्या लग रहा है भैया? जेली, चॉकलेटी जेली लग रहा है। तो जिन्हें भी गुड़िया वाला केक सीखना है तो आप लोग वीडियो पे बनी रहिए। तो ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब इसमें गुड़िया लगाया जाएगा, फिर गुड़िया को भी डेकोरेट किया जाएगा, फिर बहुत ही प्यारा एक केक बनके तैयार होगा। देखिए प्लेट पे रखने के बाद फिर भैया क्रीम लगा रहे हैं। तो देखिए अब जो है कि एक गुड़िया लगाया जा रहा है, अभी इसको डेकोरेट किया जाएगा। तो देखिए अब गुड़िया को जो है कि क्रीम से ही एक कपड़ा पहना रहे हैं। तो व्हाइट कलर का जो है कि सारा इसमें फ्लावर बनेगा और कुछ उसमें रेड थोड़ा सा लगाया जाएगा। तो जो है कि गुड़िया वाला केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। हम दो केक ले जाएंगे, एक ये है एक वो है, अभी वो तैयार नहीं हुआ है पूरी तरीके से। स्ट्रॉबेरी जेली लगा दिया गया है। बच्चे खड़े जाओ। तो दोनों केक हमारा बनके तैयार हो गया है। हम लोग चल रहे हैं हर्षिता के बर्थडे में। तो हम आ चुके हैं अपने हर्षिता के बर्थडे में। तो आप लोगों को दिखाएंगे हर्षिता का बर्थडे, जो हर्षिता 3 साल की हो गई है, किस तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हर्षिता और अक्षिता तैयार हो गई है। बोलो आज मेरा बर्थडे है। आप लोग केक खा लीजिए। तेजी से बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुम भी बोलो।
पहले खा लेता चलो अनवी तुम खिलाओ, हर्षिता बेबी खिलाओ खिलाओ। वाओ फिर से खिलाओ, फिर से इधर इधर हर्षिता अनवित तुम खिलाओ हर्षिता को फिर से खिलाओ, मान नहीं मैं अनवित खिलाओ। हाँ फिर से बस खिलाओ पापा को खाओ। नन्नी बाबू बेटू तो खाएगी, उठा ले तुम भी हर्षिता खिला दो। हर्षिता खिलाओ, हर्षिता के दिवाली है थैंक यू बोलो बड़ी मम्मी को, थैंक यू मम्मी तो कि हमको दो क्या नीचे रख दो, नीचे नहीं रख दो, अभी बाद में ले लेना, रख दो इधर भी है अभी और ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी गिफ्ट ले लो। हैप्पी बर्थडे, यही रख के जाओ और मांग लो। थैंक यू बड़ी मम्मी से, और मामी को भी सब इकट्ठा कर रहे हैं। थैंक यू मामी। ज्योति मेरा थैंक यू नानी, ले लो थैंक यू चाची थैंक यू बोलो। हाँ फिर से बोलो, नीचे रख दो आप लोगों को हमारे तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024 मुबारक हो। 23 सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। आप लोग देखते बहुत गलत कमेंट करते हैं, ये बहुत अजीब का बेकार लगता है, मैं सारा कमेंट पढ़ती हूँ ज्योति का। और हम लोग इसमें खा के आ रहे हैं केक, मन थोड़ा सा टूट जाता है, आप लोग कर देते हैं उड़ा उड़ा तो।
और केक बहुत अच्छा है और हम लोगों ने अपने सामने बनवा के लाया है। हाँ केक बहुत, केक का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बुआ जी कह रही हैं कि आप लोग कमेंट जो है थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा कमेंट करिए ताकि बुआ को भी अच्छा लगे पढ़ने में और मुझे भी। पनीर कटलेट कटलेट जैसे आलू का मम्मी तू खाओ हम खावा ना तो राम राम दोस्तों हम देखा केक वो खा लिए, बस लोग सोच रहे हैं कैसे हम बनाएंगे। तो जो है कि नाश्ते में दीदी क्या मिला हुआ है, कटलेट और लड्डू है, केक। अभी जो है कि खाने में देखते हैं क्या क्या बनवाई है मेरी दीदी, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अचार और रोटी खाई आते ही अचार लगी थी, सुबह से नहीं खाए का तो खार रोटी खाए खार अचार अचार रोटी दोबारा हो चुका, तिबारा हो गई, एक घंटे बाद तिबारा हो गई। हमारा बबुआ तो मत ही देखिए है सूखी सब्जी बना हुआ है और इसमें देखिए पनीर बना हुआ है, मटर पनीर काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आटा बेसन होगी मैदा होगी, मैदा बच गया हुआ था देखिए, तो ये मटर बना रहे हैं, इधर पे देखिए काट रहे हैं, उधर पे फ्राई कर रहे हैं। एक कल सुबह चाय नाश्ता के साथ मिलेगा ये हम लोग को, नाश्ते में कल मिलेगा ना। सुबह चाय के साथ, हाँ चाय के साथ अच्छा ही लगता है। इधर पे देखिए पूरी जो है कि फ्राई हो रही है। तो दोस्तों जो है कि सब लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, हमने आप लोगों को दिखा दिया मेरी नन्नू जी क्या बनवाई है अपने वीडियो के बच्चे में। तो यहाँ पे हम सलाद काट रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम कर दे रहे हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। और मेरे हस्बैंड को फिर सर्विस करिएगा बर्थडे का, आप लोगों को फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में।